वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडे वी आर इन उदयपुर और हम लोग बहुत ही अमेजिंग बाइक का टेस्ट राइड लेने आए हैं, यू कैन गेस। सो वी हैव हीरो करिश्मा XMR जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, अभी कल परसों में ही लॉन्च हुई है एंड वी केम टू उदयपुर टू टेक द टेस्ट राइड। एंड यहाँ पे जो सुबह से जो है ना बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज रेडिसन ब्लू एंड यहाँ पे हम लोगों की बाइक है। एंड जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मैंने राइड करके वापस आया, सो वी हैव रीच्ड हियर। एंड ये थोड़ा सा पार्ट मैं पहले डाल दूंगा क्योंकि फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू गिव यू द वॉक अराउंड ऑफ दिस बाइक। एंड यहाँ पे जो है हम लोगों ने येलो कलर स्पेशली आज चुना, पुरानी वाली जो करिश्मा ZMR आती थी वो येलो कलर में थी तो उसकी वजह से मैंने ये कलर आज राइड किया। एंड इसमें दो कलर और ऑप्शन है जो कि है रेड एंड ब्लैक एंड उसके साथ में जो ग्रे एंड ब्लैक है, तो तीन कलर ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को वॉक अराउंड दे देता हूँ, तो आगे से शुरू करते हैं। इस तरीके से जो की है वो दी गई है, यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी ब्रांडिंग आ जाती है। एंड फ्रंट में जो है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, देन इट्स कमिंग विद द ड्यूअल चैनल ABS, बाइब्रे के ब्रेक्स हैं एंड जो टायर्स हैं वो MRF के हैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप्स मिल रहे हैं एंड साथ में ये जो LED लाइट्स है वो बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। मतलब बेसिकली मैंने जो लॉन्च इवेंट में देखा था तो वो चीज़ जो है लाइट बहुत अलग सा एग्रेसिव सा लुक दे रही है। यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ से आप लोगों को अगर दिख रहा है, वैसे तो धूप काफ़ी हार्श है तो उसकी वजह से शायद ना पता लगे, बट अगर वीडियो में कैप्चर होता है तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो अदरवाइज मैं ओवरले में डाल दूंगा। तो टायर हैं आप लोगों को MRF के मिल जाते हैं, दिस इज 180R17। तो इसका जो ग्रिप जो टेक्स्चर है बाइक का वो काफ़ी रोड सेंट्रिक है। बेसिकली आप लोग राइड करोगे रोड पे तो आप लोगों को अच्छा जो है फील आता है। मैंने जैसे 100 किलोमीटर्स के राउंड चलाई तो काफ़ी अच्छा फील था। एंड उसी के साथ में जो वाइज़र की अगर बात करें तो वाइज़र एडजस्टेबल है, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दी गई है जो वाइज़र वाला वैसे ही बटन है, इसको प्रेस करके जो आप है इसको वाइज़र को ऊपर नीचे कर सकते हो। देन आप लोगों का जो मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स जो है आप लोगों के इस तरीके से आते हैं, आप लोग बेंड कर सकते हो इसको अंदर की तरफ। इसके अलावा ये वाले नॉर्मल मिरर्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके टिंटेड जो मिरर्स हैं वो भी आप लोग एडिशनल एक्सेसरीज में बाई कर सकते हैं। एक चीज़ अच्छी और ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों को पोर्ट है वो USB का पोर्ट मिल जाता है। अगर बॉडी पैनल्स की बात की जाए तो पैनल्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी के हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाकी जो बाइक्स है उस पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना आप लोगों को एक फ़ील होगा, हल्का सा आवाज़ आता है प्रेस करने पे, बट वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्लोजअप में दिखा देता हूँ, तो ये चीज़ है एक अच्छा है। एंड प्लस जो आप लोगों का ये जो कूलेंट ऑयल है वो यहाँ पे फिल हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे कैप दी गई है तो इजी है, अपने आप से भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। एंड कमिंग टू द इंजन की कैपेसिटी है 210, तो एग्जॉस्ट मेरे को वो इस बाइक का काफ़ी अच्छा लगा। और जो एग्जॉस्ट है ऐसा नहीं है कि बाहर निकला हुआ है बहुत ज़्यादा, जो बॉडी का पैनल है जो इस तरीके से जो डिज़ाइन दी गई है वो काफ़ी स्लीक है। एंड उसके साथ में ही आप लोगों को जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, थोड़ा सा मैट जो है टेक्सचर आ रहा है इसका एग्जॉस्ट का ऊपर। पीछे भी आप लोगों को MRF के टायर मिल जाते हैं, दिस MRF Zapper S जो पीछे का टायर है दैट इज़ 140/70R17। पीछे भी डिस्क ब्रेक आ जाते हैं आप लोगों को एंड ये वाले जो हैं ये भी ब्रेक्स जो हैं बाइब्रे के हैं। टेल जो पीछे टेल लैंप की बात की जाए तो टेल लैंप ये है ऊपर प्लास्टिक का पार्ट, जो नीचे है ये मेटल क्लैंप दिया गया है। इसके साथ में आप मैग्नेटिक जो टेल लैंप है वो भी ले सकते हो, जो इसको बाइक को थोड़ा सा लुक जो है वो काफ़ी एनहांस कर देगा अगर ये इतना टेल लैंप आप लोगों को बाहर निकला हुआ नहीं चाहिए। बाकी जो टेल लाइट्स है ये एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो इस तरीके से टेल लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे। एंड साथ में ही पीछे जो मोनो सस्पेंशन आता है जिसकी अगर बात करें तो पीछे आप लोगों को 6-stage एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये रेड कलर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सीट मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगी, सीट का जो टेक्सचर है एक तो ग्रिप अच्छी दे रखी है, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है यहाँ पे,
एंड जो सीट का जो विड्थ है वो काफ़ी है, अगर कोई वाइड बंदा भी बैठ रहा है जैसे मैं थोड़ा सा वाइड हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को जो यह है राइडिंग जो पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा। पीछे वाली सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहूँगा, बट जो कुशनिंग है अच्छी दी गई है, छोटा मोटा मतलब थोड़ा 100-200 किलोमीटर्स का जो राइड है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। बैक साइड में आप लोगों को रेल्स मिल जाता है, जिससे कि आप लोगों को जो टेल बैग है वो भी एक हीरो का आता है, वो भी आप एडिशनल एक्सेसरीज में बाई कर सकते हो। तो वो चीज़ भी जो टेल बैग है वो भी आप लोगों का इजीली यहाँ पे जो है पीछे वाली सीट पे एडजस्ट हो सकता है। जो बाइक है वो हम लोगों को फाइनली मिल चुकी है एंड हम लोग यहाँ से माउंट आबू के रास्ते थे एंड माउंट आबू के रास्ते तक हम लोगों को एक पॉइंट तक पहुँचना था, देन वी आर कमिंग बैक एंड यहाँ से हम लोगों को अभी उदयपुर पहुँचना है। तो आते टाइम में बुलू भाई ने बाइक चलाई थी एंड अभी जाते टाइम में मैं चला रहा हूँ। तो आप लोगों को बाइक्स के जितने भी फीचर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ड्राइविंग के टाइम की बात की जाए तो आप लोगों को फीचर्स इसके बता देता हूँ। यहाँ पे जो टायर्स हैं आगे के फ्रंट एंड रियर, 2000 MRF के टायर हैं, ग्रिप्स काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोगों को वाइज़र मिलता है, दिस इज़ एडजस्टेबल। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसे बटन प्रेस करने के लिए दिया हुआ है, तो वो अगर आप बटन प्रेस करते हो देन यू कैन पुल दिस अप। तो ये चीज़ मैनुअली है, आप लोगों को पुल करना पड़ेगा एंड अगर थोड़ा सा लीन करके चलाते हो देन आप लोगों को जो बाइक का है वो विंड ब्लास्ट है वो नहीं लगेगा, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। मिरर्स की अगर बात की जाए तो मिरर्स जो है यहाँ पे ये वाले नॉर्मल मिरर्स हैं, बट उसी के साथ में आप लोग एडिशनल एक्सेसरीज अगर लगवाते हो देन यू कैन गेट द टिंटेड मिरर्स, जिससे कि आप लोगों को जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा मिलती है। और उसी के साथ जो आप लोगों को यहाँ पे कंसोल की अगर बात की जाए, कंसोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया, छोटा कंसोल है, बट जो राइडिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी है यहाँ पे। टेम्परेचर आ जाता है, नीचे जो टाइम है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर जो है गियर दिखा रहा है, 6th गियर पे अभी मैं चला रहा हूँ। और उसी के साथ में आप लोगों का जो ये है डिस्प्ले, जो ब्राइटनेस जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा हल्का सा बीच में डिम हो गया था, सेम चीज़ लाइट्स का भी है, आगे वाली लाइट्स जो भी हैं वो अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाती है। अगर रात होएगी तो आप लोगों का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ फीचर दी हुई है। दैन उसी के साथ में आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे ओडोमीटर दिखने के लिए मिल रहा होगा और यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है, मतलब ये चीज़ भी अच्छा है, काफ़ी पूरा फुल डेट यहाँ पे दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर वी कैन चेंज द डेट, बट जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इतना इनफ है जो राइडिंग के टाइम पे चाहिए रहता है। देन उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक USB पोर्ट भी दे रखा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम प्राइस की बाइक में जो है आप लोगों को USB पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसी के साथ में अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ, आगे फ्रंट एंड रियर में दोनों में वाइब्रे ब्रेक्स है, ड्यूअल चैनल ABS है एंड उसी के साथ में DOSC टेक्नोलॉजी के साथ में आती है बाइक। बाइक का टॉर्क है 20.4 Nm एंड जो BHP है दैट इज़ 24 BHP है बाइक का, तो काफ़ी अच्छा है यार। मतलब मेरे को अभी काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी किलोमीटर्स हो चुके हैं इसको ड्राइव करते हुए, 200 किलोमीटर्स का ड्राइव था यहाँ से माउंट आबू एंड माउंट आबू से यहाँ तक वापस जाने तक का। तो जो बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चला लिया है दैन उसके बाद में मैंने ब्लॉग शुरू किया है अपना, जिससे कि एक राइड एक्सपीरियंस मिल जाए और एग्जैक्टली मैं बता पाऊँ तो क्या चीज़ प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक चीज़ मेरे को अभी तक नोटिस में आई कि यहाँ पे जो है एडजस्टेबल लीवर नहीं है क्लच एंड ब्रेक का, तो अगर वो चीज़ होती तो एडिशनली वो सही रहती बाकी सारे राइडर्स के लिए। तो जैसे हाथ छोटा होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ब्रेक और क्लच प्रेस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, बट अदरवाइज़ वैसे नहीं है, हल्का है, क्लच भी है जो आराम से ईजिली होता है। एंड उसी के साथ में जो बाकी बाइक का अगर यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं उसकी अगर बात की जाए, तो यहाँ लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, ऊपर आप लोगों का आ जाता है ये पास बटन का एंड उसके साथ में यहाँ पे जो है M, ये है M बटन आ जाता है, ये अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप मेनू जो है बेसिकली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का अपीयरेंस जो दिखा रहा था यहाँ पे, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, वो चीज़ ऑटो है, ऑटो पे सेट है। तो जो आप लोगों का जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड डिस्प्ले आ जाता है इसमें, जैसे ब्लैक के ऊपर वाइट आता है, पहले जो बाइक्स में क्या करते थे कि वाइट के ऊपर ब्लैक में जो है डिस्प्ले देते थे। और यहाँ पे आप लोगों का ये जो है टर्निंग वाला इंडिकेटर्स आ जाता है यहाँ पे अगर आप देखोगे, और बीच में एक प्रेसिंग बटन दिया है, बेसिकली अगर ऑफ करना है तो आप उसको प्रेस कर सकते हो। हॉर्न की आवाज़ अगर बात की जाए तो हॉर्न कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा
लाउड हो सकता था बट देर आर डेफिनेटली सम नॉर्म्स उसके हिसाब से ही रखा होगा। एंड उसके बाद में राइट साइड में अगर ऑप्शन देखेंगे तो राइट साइड में ये वार्निंग लाइट आ जाती है, प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले होने लग जाएगा कि किस तरीके से जो भी लाइट है टेल लाइट ऑन है। बट एक चीज़ है, यहाँ पे जब आप ये लाइट प्रेस करते हो तो यहाँ पे दोनों ही जो लाइट है वो ऐसे ब्लिंक करके दिखाता है। एंड यहाँ पे भी अगर आप टर्न भी देते हो तो भी आप लोगों को जो दोनों लाइट है वो करके दिखा रहा, तो आप लोगों को बेसिकली पता नहीं लगेगा कि कौन सा लाइट जल रहा। रात में भले ही पता लग जाए बट यहाँ पे अभी ऐसे दिन के टाइम में नहीं पता लग रहा मेरे को कौन सा ऑन है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तब पता लगेगा। देन बॉडी पैनल्स की बात की जाए, इतनी स्पीड मैंने अभी करी है इस बाइक में 130 के अराउंड में गया था, एंड 130 के हिसाब से जो बाइक के पैनल्स है ना काफ़ी इंटैक्ट है, मतलब बेसिकली बाइक के पैनल्स से वाइब्रेशन नहीं आ रही है, तो वो चीज़ एक अच्छी है। जो बॉडी पैनल्स की अगर बात की जाए ना तो ये वाला प्लास्टिक है, ये वाला यहाँ पे मेटल दिया गया है। तो आप लोगों को अगर जो लॉन्च इवेंट में देखा होगा आप लोगों ने, तो लॉन्च इवेंट में जो एक्सेसरीज है, जो इसका टैंक बैग है आप लोग एडिशनली परचेस कर सकते हो, उसका प्राइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस हिसाब से भी रहेगा। तो ये जो साइड साइड का जो ब्लैक पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है दैट इज मेटल। बाकी कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो तीन कलर आते हैं इसमें, येलो रेड एंड ग्रे, तो तीन कलर हैं, ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। मेरे को पर्सनली इसमें येलो वाला कलर पसंद आया क्योंकि जो पहले का जो करिश्मा ZMR आता था उसका भी येलो कलर था, बचपन में देख के बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता था, मतलब ये वाली बाइक कभी लेनी है। बाकी इसकी और बात की जाए तो ये जो मैंने USB पोर्ट आप लोगों को बताया, तो करिश्मा मतलब हीरो का बेसिकली आप मोबाइल होल्डर भी ले सकते हो यहाँ पे, इसका करिश्मा के लिए स्पेशली बनाया है। देन हीरो ने करिश्मा के साथ में ही बेसिकली हेलमेट भी लॉन्च किया है, तीनों कलर जितने भी तीनों एडिशंस हैं उसके हिसाब से आप लोगों को येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लैक एंड ग्रे एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप लोगों को हेलमेट मिल जाएगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 160 mm, तो 160 mm में आई गेस मोस्टली स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं वो आप लोगों के आराम से पास हो जाएंगे, बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जैसे बैंगलोर में हम लोग चलाते हैं तो कई कई जगह स्पीड ब्रेकर है उसका हाइट कोई लिमिटेड नहीं है, हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप लोग स्लो चला रहे हो तो देन देर इज़ नो इशू। तो अभी यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा स्पीड टेस्ट लेके देखेंगे कि कितने पे 60 जाता है कितने पे 100 जाता है। सो लेट्स सी। एक चीज़ अच्छी है आप लोगों को ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिखा देता है, देखो ये देखो 100 पे आ गया, काफ़ी अच्छा था, इजी था पहुंचना, एंड 100 तक मेरे को अभी तक वाइब्रेशन नहीं फील हुई थी, बट 95 के बीच में 95 टू 100 के बीच में हल्का वाइब्रेशन लगता है। बाकी अगर ब्रेकिंग पे आते हैं तो ब्रेक इसमें दे रखे हैं वाइब्रेक है, एंड काफ़ी सारी बाइक्स में आजकल ब्रेक्स आना शुरू हो गए हैं क्योंकि जो सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न, ड्यूअल चैनल ABS है इसमें, एंड यहाँ पर आप अगर ब्रेक सडन भी ब्रेक लगाना पड़ रहा है देन जो बाइक है अच्छे से स्टॉप हो जा रही है। वैसे भी आप इन ब्रेक अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा कि जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी अच्छा है ब्रेक्स का, तो डिस्क ब्रेक और मैंने दोनों दबा के देखे, ये देखो सडन ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं है ABS है क्योंकि ऑलरेडी, तो मैं अगर बिल्कुल सडन ब्रेक भी करता हूँ देन जो स्किड के चांसेज है वो काफ़ी कम हो जाते हैं ABS में ऑब्वियसली। कि आसपास में लोकेशन बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है राइड करने में। यहाँ से हम लोग उदयपुर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे हार्डली 1 आवर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसमें आगे के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं, जो अभी तक मैंने राइड एक्सपीरियंस करके देखा है, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे के हैं, एंड जो पीछे वाले जो है वो मोनो सस्पेंशन है विद 6 एडजस्टेबल सेटिंग्स, जो कि आप लोग अपने सीट मतलब आप अपने हाइट के हिसाब से वो चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने जैसे जंप कराया तो बहुत ज़्यादा नहीं फील हुआ, कई सारी बाइक्स में ऐसा होता है कि आप लोग सडन एक ना ऐसे जर्क सा आता है अगर आप सडन जंप कराते हो बाइक को तो एक जर्क सा आता है फील, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो टैंक का कैपेसिटी है दैट इज़ 11 लीटर, और जो 11 लीटर के हिसाब से है आप लोगों को टैंक मतलब इनफ साइज़ है, बेसिकली आप सिटी राइड एंड जो आप लोगों का वीकेंड राइड है वो ईजिली कर सकते हो। थोड़ा सा मेरे को लगा कि अगर टैंक कैपेसिटी अगर और हो सकती तो जो इसका रेंज बढ़ जाता, एंड रेंज जिस हिसाब से भी
रहता है, तो आप लोगों को फ्यूलिंग जो ब्रेक्स है वो कम लेने पड़ते हैं। 11 लीटर के टैंक के हिसाब से थोड़ा सा फ्यूलिंग ब्रेक्स ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में ही इसका जो फ्यूल रेंज है वो बता पाएंगे, अभी बता नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर का राइड नहीं है, जैसे 100 किलोमीटर का राइड था जाने आने का, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम और लगेगा जो आप लोगों को उसका फ्यूल एफिशिएंसी का जो है वो भी अपडेट आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मैं दे सकता हूँ। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम आईडी जो अभी आप लोगों को यहाँ पे आ रही है नदीम अलवी व्लॉग्स, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। ट्राई करूँगा और भी चीज़ें, और भी करिश्मा के बारे में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो दिखाऊँ। बाकी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इसका जो एग्जॉस्ट है, बेसिकली एग्जॉस्ट का जो लुक है जो अभी आप लोगों को ओवरले में आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। ब्लू भाई अपने साइड में चलते हुए कार में अभी मस्त एसी में जा रहे हैं अभी, बट यहाँ पे उदयपुर ना उदयपुर के हिसाब से वेदर नहीं है, मतलब ठीक है राइड कर रहे तो नहीं पता लग रहा है, एक जगह खड़े हो जा रहे तो गर्मी काफ़ी लग रही है। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो सीट कंफर्ट मेरे को काफ़ी हद तक बेटर लगा, क्योंकि जो सीट है काफ़ी वाइड दी गई है और मेरी बॉडी के हिसाब से जैसे मैं थोड़ा सा वाइड हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर राइड कम्फर्टेबल लग रही है। मतलब मैं अगर बैठा हूँ यहाँ पर तो एज तक जो है जो हिप तक है सपोर्ट है तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब राइड करने में ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कमिटेड पॉस्चर है या फिर मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है राइड करने में, वो चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड पॉइंट। एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को मैं ओवरले में डाल के दिखा देता हूँ कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो कैसा है। तो यहाँ से थोड़ा सा राइड 95 के अबव करते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको हल्का फील होएगा, बट अगर आप 90 के नीचे रहते हो तो आप लोगों को जो वाइब्रेशन है वो फील नहीं होएगा, मतलब काफ़ी अच्छा। जो बॉडी पैनल्स काफ़ी मैटर करते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के बने होंगे, जो स्पेशली बाइक का जो क्वालिटी है वो आप लोगों को जो इस प्राइस में मिल रहा है वो वर्थ है। तो प्राइस की अगर प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली कल लॉन्च इवेंट हुआ था एंड पहले इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइस 1.92 एंड देन लास्ट में रिवील किया गया इंट्रोडक्टरी प्राइस विच इज़ 1,72,900। तो इस प्राइस पे जो बाइक का जो स्पेक्स दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी दिस इज़ यामाहा R15 किलर, क्योंकि R15 का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड कंपैरेटिवली इसमें जो आप लोगों को करिश्मा है एक तो ऑलरेडी हीरो का है, सर्विस कॉस्ट इसमें आप लोगों को कम कर पड़ने वाली है एंड उसकी के साथ में जो आप लोगों को इंजन है वो ज़्यादा सीसी का मिल रहा है, 210 cc का आप लोगों को जो है इंजन मिल जाता है। ये थी बात टेक्स पेक्स की एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग उदयपुर में पहुँचते हैं। सो अगर फीडबैक की बात की जाए तो फीडबैक सो फार जितना भी किलोमीटर्स मैंने चलाया उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था एंड प्लस द एडवांटेजेस कि जो सस्पेंशन है मेरे को काफ़ी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो जब भी आप अगर स्पीड ब्रेकर से अगर निकल रहे हो तो आप लोगों को ऐसा नहीं फील होगा बहुत ज़्यादा जर्क अचानक से लगे, वो चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव पॉइंट इन दिस बाइक एंड प्लस जो आप लोगों को सीट जो है वो काफ़ी वाइड है तो जो राइडिंग कंफर्ट है लॉन्ग आवर्स के लिए भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल फीडबैक। जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को स्पीड जो है मैंने कवर करके दिखाई है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये था कुछ ओवरऑल फीडबैक करिश्मा XMR का 2023 एडिशन एंड जो बाकी है आप लोगों को जो अपडेट्स हैं इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो अभी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वहाँ से फॉलो कर सकते हो मेरे को। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं क्लोज एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।